नमस्कार दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे, हमेशा अच्छे रहे दोस्तों। तो जय माँ अम्बे विलेज कुकिंग चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तो चलिए आप लोगों को दिखाते कौन सी रेसिपी हम बनाएंगे। रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे हमने करेले लिया है दोस्तों, ये देखिए। तो करेले को हमने दोनों तरफ से, ये टेमसे का भाग है, यहाँ पे पीछे का हमने भाग निकाल दिया है, पर से थोड़ा सा हम हल्का सा इस तरह चाकू से निकाल दिया पतला पतला, ताकि इसमें जो मसाले जाएं तो इसका कड़वापन निकल जाए। उसके बाद हमने इसके बीज का बीज निकाल लिया है, आप लोगों को दिखा दें, ये देखिए। इसको हमने साफ कर लिया, तो चलिए अब कट करेंगे। तो दोस्तों, करेले की बहुत सारी रेसिपी खाए होंगे, करेले की आज हम बनाएंगे पकौड़ी। इस तरह हम इनको पीट कट करेंगे, इस तरह हम पतले पतले इनको पीसेस में कट करेंगे। ये देखिए, जिस तरह प्याज काटा जाता है उसी तरह हम इनको, यहाँ पे हमने करेले काट लिया है, ये देखिए इस तरह के हमने कट किया है। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, इनको हम नमक में हिला देंगे, इस तरह नमक डालने से कड़वापन निकल जाता है। अगर इनको बाफ लगा के आप इनको चढ़ा के, जैसे कि इसमें नमक डाल के बाफ लगाया जाता है दोस्तों, थोड़ा सा हल्का सा गुड़ डाल दीजिए, इसका बहुत अच्छा से आएगा टेस्ट। तो इस तरह हम मिला के इनको छोड़ देंगे। तो दोस्तों, भरुआ करेला आप लोगों ने खाए होंगे, छोटे छोटे पीसेस में कट करके बनाए होंगे, उसको खाए होंगे, इसका अचार खाए होंगे, करेले की बहुत सारी रेसिपी खाए होंगे। तो आज हम इसकी पकौड़ी बनाएंगे दोस्तों। इस तरह हम इसको जितना पतला हम कट करेंगे, उतना ही इसमें कड़वापन नहीं रहेगा, ये देखिए। अब इनको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि इसका कड़वा पानी निकल जाए। यहाँ पे हमने दो प्याज लिया है, तो इनको हमने बारीक कट कर लिया, ये देखिए। तो इस तरह हाथ से हम इनको इस तरह मसल देंगे, ताकि इसके जो कली कली हैं अलग हो जाए। यहाँ पे हमने हरी धनिया लिया है, इसको कट कर लिया, थोड़ी सी तीखी मिर्ची लेंगे। यहाँ पे हमने सूखी मिर्ची लिया है, इसको डाल देंगे। धनिया का पाउडर इसको डाल देंगे, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, आधा चम्मच चाट मसाला डालेंगे। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर डाल सकते हैं। इसमें हम थोड़ा सा जीरा दाना डालेंगे, एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे, हल्का सा सौंफ का पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हमने कद्दूकस किए हुआ दो हमने आलू लिए हैं, उसको डाल देंगे। अब इसमें हम डालेंगे बेसन, यहाँ पे हमने चावल का आटा लिए, उसको डाल देंगे 2-4 चम्मच। अब इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। अब इसको हम हाथ से इस तरह मिला देंगे। यहाँ पे करेले हमारे देखिए सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब इनको हम पानी इस तरह हाथ से निचोड़ देंगे। देखिए तो कितना पानी निकल रहा है। अब इनमें हम दूसरा पानी डाल के अच्छी तरह से साफ कर देंगे, ताकि अच्छी तरह से इसका कड़वापन निकल जाए। देखिए हम पानी निकाल देंगे, इसके बाद देखेंगे। अब इनको हम सिम डाल देंगे। अच्छी तरह से हम इनको हाथ से मिला देंगे। यहाँ पे हमने सारी चीजें मिला दिया है, चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। इधर हमने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया, तेल हमारा गर्म हो गया है। अब इस तरह हम डालते जाएंगे।
यहाँ पे हमने इतने पकौड़े डाल दिया है, तो इनको हम इस तरह दूसरी तरफ पलटेंगे। देखिए यहाँ पे हमारी पकौड़ी पक गई है, तो इनको हम निकालते जाएंगे। देखिए इसी तरह हम सारी पकौड़ी बना के रेडी कर रहे हैं, उसके बाद दिखा रहे हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने करेले की पकौड़ी बना के रेडी कर दिया है, तो आप लोग देख सकते हैं कितनी टेस्टी हमारी पकौड़ी बनी है। यहाँ पे हमने खट्टी तीखी चटनी लिया है, इसी चटनी से आप खा सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। दोस्तों ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई करिए, इतने समय करेले की सीजन चल रही है तो इनको बहुत आसानी से आप बना के खा सकते हैं। दोस्तों आम की चटनी के साथ खा सकते हैं, इस तरह के खरीद के चटनी ला सकते हैं, खाने में बहुत टेस्टी है। दोस्तों अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।